नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र में सूटकेस में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम टीम ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन मृत व्यक्ति की गर्दन पर धारदार हथियार के निशान जरूर नजर आ रहे हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब सुबह पुलिस को सड़क किनारे वाई ब्लॉक मजार के पास सिविल डिफेंस के जनरल ऑफिस के बाहर सूटकेस में शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो मैरून रंग का एक सूटकेस सड़क किनारे पड़ा हुआ था, जिसमें एक मानव पैर बाहर भी निकला हुआ दिखाई दे रहा था। और सूचना के बाद पहुंची क्राइम टीम ने सूटकेस से फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए और जब सूटकेस को खोला गया तो उसमें एक युवक का शव मिला, जिसके गले पर किसी धारदार हथियार से वार किया हुआ है। और मौके पर पहुंचे जिले के डीसीपी समीर शर्मा ने जायजा लेने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि देखने से मृतक की उम्र करीबन 20 से 30 साल के बीच लग रही है, जिसकी गर्दन पर काफी गहरे घाव हैं और शव खून से लथपथ हालात में है और शव के हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हुई है और जांच की जा रही है। ये सुबह की कॉल है, एक हमें कॉल आती है कि एक बैग में डेड बॉडी पड़ी है। मौके पे हम पहुँचते हैं, यहाँ पे देखते हैं, अभी ये डेड बॉडी है एक बैग में, गला थोड़ा काटा हुआ है और इसमें अभी हम आगे तफ्तीश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कौन है, इसकी पहचान ढूंढ रहे हैं पहले, उसके बाद पता करेंगे कि क्या माजरा है, किसने इसको मारा है पूरा सर। ये मेल बॉडी है, उम्र अब लगभग 18 से 30 साल तक लगती है और इसको भी शिनाख्त में पहले हमारा काम है इसकी आइडेंटिफाई करना, वो कर लेंगे उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। नहीं, बॉडी को काटा नहीं, बॉडी का गले में चाकू लगा हुआ है, उससे इसकी डेथ लग रही है। बाकी पोस्टमार्टम में डिटेल आ जाएगी क्या क्या इसमें और इंजरीज हैं क्या है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। सूटकेस में शव मिलने की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई और भीड़ का तांता लग गया, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। चश्मदीद सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने बताया कि जब वो सुबह ऑफिस आए तो उन्होंने देखा कि मौके पर काफ़ी पुलिस मौजूद है और एक सूटकेस से किसी व्यक्ति का पैर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप कुमार। और संदीप, क्या देखा आपने, क्या हुआ था, बताया क्या पूरी घटना? मैं अपने घर पर सो रहा था, तकरीबन 7 बजे करीब फ़ोन आया कि भाई ऑफिस का ताला खोलना है, तो मैंने पूछा किसलिए खोलना है, कि बाहर मर्डर हो गया। यहाँ पे आके देखा तो सूटकेस के अंदर कोई डेड बॉडी है, वो पड़ी हुई थी ऑफिस के बाहर जाल के पास में, तो इन्होंने कहा गेट खोल के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगा, सिर्फ इतना ही किया उसके बाद। तो किस चीज़ का ऑफिस है ये? ये सिविल डिफेंस का है, यहाँ से कोविड प्रोटोकॉल जो है वो फॉलोअप करते हैं, जैसे कंटोनमेंट जोन से वहाँ पे वॉलंटियर्स को भेजते हैं। कौन सी जगह है ये? ये मंगोलपुरी है, जे ब्लॉक के सामने। क्या पता लग पाए किसकी बॉडी है, कुछ पता लग पाए अभी तक? नहीं, अभी तो ये आगे पुलिस बताएगी, इसके बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रख दिया है और आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। बता दें शव की शिनाख्त करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और चुनौती भी है, और अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा पाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।